तो ये है मेरा नंबर 239 और आज मैंने RT-PCR का टेस्ट दे दिया है अपना कोविड का। बाकी अभी मेरा एंटीजन नेगेटिव आ चुका है, बट कंपनी पॉलिसी है कि वो RT-PCR करते हैं, वैलिड मानते हैं उसको, और दैट्स वाई अभी RT-PCR के लिए गया हॉस्पिटल। RT-PCR जल्दी इसलिए नहीं करता, शायद एंटीजन की वजह से उनको रैपिड किट का होता है या कुछ भी, उन्होंने टेस्ट आगे उस लेवल के भेजने या नहीं भेजने वो कुछ ऐसा होगा। बट अभी जो है वो यही है कि भगवान दुआ, बस अभी यही है कि PCR की रिपोर्ट सही आ जाए। बहुत परेशानियों का महीना रहा ये मई, लेकिन भगवान कृपा कर रहा है, बस यही है। ब्रांड न्यू वीडियो, और मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि कोविड को हरा कर पूरी फैमिली ठीक हो चुकी है, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मई के इस पूरे महीने में इतनी ज़्यादा वाट लगी है कोविड की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मंजर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी इस वीडियो को मैंने शाम के 6 बजे के करीब शुरू किया है। आज है संडे और मैं ऐसे ऐसे ख्याल रख रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था कि मेरे पास वर्ड नहीं है। अभी मुझे खुशी होती है कि मम्मी रसोई में अपना काम कर रही है, भाई हॉस्पिटल से आ चुका है, डैडी भी रिकवर हो चुके थे पहले, मैं भी थोड़ा रिकवर हो चुका था, लेकिन मैं अब पूरी तरह से रिकवर हूँ, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। और बस यही था मन में, बस ऐसी साइकोलॉजी घुस गई थी कि जब भाई घर में आ जाएगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा,
तो मैंने उसमें इसे एक ये चीज़ भी रखी थी कि स्नैक्स खाने का मन था तो ऐसा ही सोच लेता था कि यार जब भाई आएगा तभी मैं कुछ अच्छा खाऊंगा या कुछ स्नैक्स खाऊंगा या बाहर का, लेकिन अभी बाहर का मैं इग्नोर कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, जब से कोविड हुआ है और जब से ये सारा कुछ चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि अब भी मैं बाहर का अभी नहीं खाता हूँ 5-7 दिन, ताकि कोई परेशानी ना आए। इसलिए घर में ये मैगी बनवा ली थी भाई, तो मिर्ची भी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मिर्ची भी पड़ी है। कोविड ने इतना परेशान किया, टेस्ट नहीं आता था, स्मेल नहीं आती थी, कुछ खाते थे तो भी यूजलेस लगता था। वाह, ये बोलने के लिए नहीं भाई, हमें महसूस करवाने के लिए भी बनी हुई है कि खाना कैसा है।